अब हमारे ग्लोबल थीम स्टोर में आप लोगों को इम्पोर्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। और इम्पोर्ट में जाने के बाद दोस्तों आप लोग किसी भी थर्ड पार्टी थीम को या फिर एम्प्टीट्यूड को आप लोग इजिली अप्लाई कर सकते हो। और इसे अप्लाई करने के बाद हमारा जो थीम होता है दोस्तों वो डिफॉल्ट में फिर रिवर्ट नहीं करेगा। वेल गाइस फाइनली यहाँ पे हमारे ग्लोबल थीम स्टोर पे, अगर मैं आपको यहाँ पे अबाउट फोन दिखाता हूँ तो मैं यहाँ पर ग्लोबल हूँ, इंडिया वाला यूज़ कर रहा हूँ। और अगर मैं आपको थीम स्टोर में जाकर दिखाता हूँ दोस्तों तो देख सकते हैं हमारे थीम स्टोर में इम्पोर्ट वाला ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो फाइनली हमारे ग्लोबल वाले रूम में या फिर इंडिया वाले रूम पे दोस्तों आप लोग अपने थीम मैनेजर में इम्पोर्ट वाले ऑप्शन को इनेबल कर सकते हैं। और दोस्तों इसे इनेबल करने के लिए आप लोग अपने फोन करके भी इनेबल कर सकते हैं और बगैर रूट की मदद से भी आप लोग अपने फोन में से इनेबल कर सकते हैं। तो सारी जानकारी दोस्तों आप लोग को इस वीडियो में मिल जाएगा, तो प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अब दोस्तों छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर दिए ताकि मैं इस तरह कोई वीडियो को अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले देखने को मिल जाए। अब हमारे ग्लोबल थीम स्टोर में आप लोगों को इम्पोर्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। और इम्पोर्ट में जाने के बाद दोस्तों आप लोग किसी भी थर्ड पार्टी थीम को या फिर एम्प्टीट्यूड को आप लोग इजिली अप्लाई कर सकते हो। और इसे अप्लाई करने के बाद हमारा जो थीम होता है दोस्तों वो डिफॉल्ट में फिर रिवर्ट नहीं करेगा। जैसे कि दोस्तों देख सकते हैं मैं यहाँ पर थीम को इम्पोर्ट कर रहा हूँ और थोड़ी देर में थीम हमारे इम्पोर्ट हो जाएगा। मैंने काफ़ी सारे थीम को यहाँ पर एम्प्टीट्यूड को थर्ड पार्टी फाइल को यहाँ पर इम्पोर्ट किया है। और दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर इम्पोर्ट हो चुका है, उसके बाद जैसे हम लोग जाते हैं यहाँ पर आप लोग को यॉक्यू डाक थीम देखने को मिल जाता है, इसे अप्लाई करते हैं। और दोस्तों इजिली हमारे ग्लोबल थीम स्टोर पे ये इम्पोर्ट वाला ऑप्शन देखने को मिल जाता है। और अगर मैं आपको डिवाइस यहाँ पे दिखा देता हूँ तो हमारे रेडमी K20 देखने को मिल जाता है, रेडमी K20 Pro। और अगर सेटिंग में जाकर मैं आपको दिखाता हूँ तो आप लोगों को MIUI 12.5.1 की ग्लोबल रोम यानी इंडिया वाला रोम देखने को मिल जाता है। तो अब दोस्तों हम लोग अपने ग्लोबल रोम पर रहते हुए अपने थीम मैनेजर में इम्पोर्ट के ऑप्शन को इनेबल कर सकते हैं। और इसे इनेबल करने के लिए हमारे पास दो मेथड है, एक है दोस्तों नो रूट वाला मेथड और एक है रूट वाला मेथड। तो पहले मैं आपको रूट वाला मेथड बता देता हूँ कैसे इसे इनेबल करना है। तो उससे पहले गाइस मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, मैं अपने यहाँ पर रेडमी K40 बोली या फिर पोको F3 या फिर Mi 11X डिवाइस यूज़ कर रहा हूँ। आपको मैं अवार्ड फोन लेकर दिखाता हूँ तो आप लोग को Mi 11X देखने को मिल जाता है। और अगर दोस्तों डिवाइस की आप बात करते हैं, रोम की बात करते हैं आप लोग को, तो MIUI 12.5.5 की इनहांस एडिशन ग्लोबल वाला वर्जन देखने को मिलता है। और अगर दोस्तों मैं आपको यहाँ पर थीम इशू में लेकर दिखा देता हूँ तो हमारे थीम इशू पर आप लोग कहीं भी इम्पोर्ट का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता। देख सकते मैं यहाँ पर थीम में इशू पर जा रहा हूँ, प्रोफाइल में जाता हूँ, थीम में जाता हूँ और हमें कोई भी यहाँ पर इम्पोर्ट का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको रूट वाला मैथड बता दूँ कैसे इसे इनेबल करना है। तो रूट वाले मेथड को इनेबल करने के लिए दोस्तों आप लोगों को अपने फोन में एक फाइल को डाउनलोड करना पड़ेगा, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा आप लोगों को। ये फाइल दोस्तों आपको देखने को मिल जाता है MIUI थीम पैचर 1.9.2.1। तो वाली फाइल को आप लोग अपने फोन में डाउनलोड कर लेना और सेव कर लेना, आप लोग कहीं किसी भी फोल्डर में सेव कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को अपने फोन में मैजिक्स वाली एप्लीकेशन को ओपन करना है। दोस्तों मैजिक्स वाली एप्लीकेशन ये वही है जिसकी मदद से आपका फोन रूट होता है। अगर आपका फोन रूट नहीं है दोस्तों तो किस तरह से रूट करते हैं उसके ऊपर मैंने काफ़ी सारी गाइड बना रखा है, वीडियो में आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर वहाँ पर डालना भूल जाता हूँ दोस्तों तो आप लोग वीडियो लिस्ट को चेक करें, वहाँ पर आप लोगों को रूटिंग की सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी, कैसे हम लोग अपने फोन को रूट करते हैं, कैसे बूट लोडर वगैरह अनलॉक करते हैं और कैसे हम लोग कस्टम रिकवरी को इंस्टॉल करते हैं। तो खैर दोस्तों यहाँ पर हम लोग मैजिक्स वाले एप्लीकेशन को ओपन करेंगे और उसके बाद हम लोग को इस वाले ऑप्शन पर टैप करेंगे। इस पजल वाले बटन पर टैप करने के बाद इंस्टॉल फ्रॉम स्टोरेज पर जाएंगे, यानी हम लोग जहाँ भी फाइल को सेव किया था उस वाले लोकेशन को यहाँ पर लोकेट कर लेंगे। ये वाली फाइल आपको देखने को मिल जाता है MIUI थीम पैचर 1.9.2.1, इसे टैप करके यहाँ से हम लोग अपने फोन में से इंस्टॉल कर सकते हैं। दोस्तों इंस्टॉल करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो पैच हमें देखने को मिलता है, जो फाइल देखने को मिलता है, इसकी सारे क्रेडिट जाता है इसके डेवलपर को, तो ऑल कुडोस टू द डेवलपर। अब दोस्तों हमारे फोन में वाला फाइल फ्लैश हो चुका है, आप सिंपली हम लोग अपने फोन को यहाँ से रिबूट कर सकते हैं। रिबूट करने के बाद दोस्तों मैं यहाँ पर जो थीम यूज़ कर रहा हूँ, अपनी जो डिफॉल्ट थीम, उसकी आप लोगों को बूटिंग एनिमेशन देखने को मिल जाता है। अगर आप लोग ये जानना चाहते हैं कि मैं कौन सी थीम वगैरह अपने फोन में यूज़ करता हूँ दोस्तों, तो आप लोग मेरी थीम वाली प्लेलिस्ट को जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। पर दोस्तों हमेशा की तरह अगर मैं लिंक डालना भूल जाता हूँ तो आप लोग प्लीज़ हमारी वीडियो लिस्ट को जरूर से चेकआउट करिए, वहाँ पर आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। तो गाइस हमारा फोन यहाँ पर रिबूट हो गया, मैं आपको फिर से सेटिंग में लेकर दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर डिवाइस वही यूज़ कर रहा हूँ, Mi 11X आपको देखने को मिल जाता है, अबाउट फोन में जाता हूँ और आपको यहाँ पर MIUI 12.5.5 की अपडेट हमें देखने को मिल जाता है, ग्लोबल वाला रूम देखने को मिल जाता है हमारे Mi 11X में। अब दोस्तों हम लोग थीम मैनेजर में जाएंगे, यहाँ पर थीम वाले एप्लीकेशन को ओपन करेंगे दोस्तों, तो अब हमारे फोन में यहाँ पर जो थीम इंस्टॉल हुआ दोस्तों ये चाइना वाला थीम इंस्टॉल हो जाता है। उसको दोस्तों जैसे हम थीम वाले एप्लीकेशन यहाँ पर ओपन करेंगे तो ओपन करने के बाद दोस्तों देख सकते हैं हमारे फोन में जो थीम वाले एप्लीकेशन अपडेट होता है दोस्तों ये चाइना वाला हमें एप्लीकेशन देखने को मिल जाता है, जो चाइना वाला हमें थीम मैनेजर देखने को मिलता है दोस्तों वो देखने को मिल जाता है। और दोस्तों हमारे फोन में देख सकते हैं कुछ ऊपर में ये सारे ऑप्शन देखने को मिल जाता है, डायनामिक वॉलपेपर, रिंगटोन, फॉन्ट्स, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, अगर आपका फोन ऑलवेज ऑन डिस्प्ले की सपोर्ट मिलता है दोस्तों तो सारे सपोर्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। पर दोस्तों हो सकता है कि आपका फोन में ये काम ना करे क्योंकि ये जो पैच हम लोग अपने फोन में यूज़ कर रहे हैं, जो थीम वाली एप्लीकेशन की जो पैच हम लोग अपने फोन में इंस्टॉल किया दोस्तों ये चाइना वाली पैच है, देख सकते हैं आपको 1.9.2.1 के देखने को मिल जाता है।
और उसके बाद मैं आपको बता दूँ, अगर आपके फोन में MIUI 12.5 की इनहेंस वाला वर्जन इंस्टॉल है दोस्तों, तो शायद आपके फोन में ये वाला पैच काम ना करे। जैसा कि दोस्तों मेरे MIUI 11 उसमें काम नहीं किया, पर दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं मैं Redmi K20 Pro में अच्छी तरीके से हमारे फोन में काम कर रहा है। सेम दोस्तों मैथड आप लोग को फॉलो करना, और दोस्तों जब फॉलो करेंगे आप लोग तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आप लोग का MIUI वर्जन कौन सा है और कौन सी डिवाइस में आप लोग इसे यूज़ कर रहे हैं, और क्या आपके फोन में ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। और उसका दोस्तों हम लोग जैसे ये पैच हमारे फोन में फ्लैश हो जाए, उसके बाद हम लोग सिंपली थीम में जाएंगे और स्क्रॉल डाउन करेंगे तो हमें यहाँ पर इंपोर्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग अपने किसी भी Xiaomi के डिवाइस में ग्लोबल डाउन पर रहते हुए इंपोर्ट वाले ऑप्शन को यहाँ पर एनेबल कर सकते हैं। और दोस्तों ये हो गया रूट वाला मेथड, और दोस्तों एक है नो रूट वाला मेथड। तो उसके लिए दोस्तों आप लोगों को प्ले स्टोर पर एक एप्लीकेशन देखने को मिल जाता है MIUI थीम एडिटर, सिंपली आप लोग इसे अपने फोन में इंस्टॉल कर लेना है। दोस्तों अगर आप लोग अपने फोन में रूट करेंगे तो इतना झमेला नहीं मिलेगा, पर दोस्तों अगर आप लोग बगैर रूट वाले ऑप्शन को फॉलो करेंगे, नो रूट वाले मेथड को अप्लाई करेंगे दोस्तों, तो उसके लिए तो आप लोगों को ये वाला एप्लीकेशन तो आपको प्ले स्टोर देखने को मिल जाता है, जहाँ पर दोस्तों सिर्फ आप लोग स्टेप्स को फॉलो करते हुए किसी भी थर्ड पार्टी थिंग को दोस्तों आप लोग यहाँ पर अप्लाई तो कर सकते हैं, पर दोस्तों यहाँ पर अप्लाई करने के बाद सारे स्टेप्स को फॉलो करने के बाद दोस्तों फिनिश कर लेंगे और यहाँ पर हम लोग इंस्टॉल कर देंगे। और दोस्तों इसमें आप लोगों को बहुत से एड्स वगैरह देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये ऐड वाला वर्सन है, और उसके बाद आप लोग यहाँ पर इंस्टॉल कर देना। उसके बाद दोस्तों जब जैसे ही इंस्टॉल हो जाए तो आप लोग अपने थीम वाले मैनेज वाले एप्लीकेशन में उसे आप लोग यहाँ पर ओपन कर देना। उसके बाद दोस्तों जब थीम वाले मैनेजर को ओपन करेंगे तो आप लोग को ऊपर में ऑप्शन देखने को मिल जाएगा जहाँ पर लिखा है अप्लाई मी, उस वाले ऑप्शन को यहाँ पर अप्लाई कर देंगे आप लोग तो हमारे फोन में थर्ड पार्टी थीम नो रूट की मदद से अप्लाई हो जाएगा। पर दोस्तों इस वाले मेथड में आपकी थीम जो है परमानेंट नहीं रहती है, पर उस वाले मेथड से अगर आप लोग रूट करते हैं तो आपकी थीम यहाँ पर परमानेंट रहती है। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो पसंद आता है, प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन कर दीजिएगा। बहुत से केस में दोस्तों ऐसा होता है कि फाइल को या फिर मॉड्यूल्स को इंस्टॉल करने के बाद हमारे फोन में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम देखने को मिलता है। अगर दोस्तों आपके फोन में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम देखने को मिलता है दोस्तों, तो आप लोग इसे इजिली अनइंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसे अनइंस्टॉल करने के लिए दोस्तों सिंपली आप लोग को वही से मैनेज वाली एप्लीकेशन को ओपन करना है और आप लोग को रिमूव करके एक बार आप लोग अपने फोन को यहाँ पर रिबूट कर लेना है। जैसे दोस्तों आप लोग यहाँ पर रिमूव वाले मॉड्यूल्स को रिमूव करके अपने फोन को रिबूट करेंगे, रिबूट करने वाले दोस्तों आपकी जो फोन की जो भी मॉड्यूल्स को आप लोग अपने फोन में इंस्टॉल किए होंगे दोस्तों, वो आपके डिफॉल्ट वर्सन में यहाँ पर चेंज हो जाएगा। और जैसे दोस्तों मैंने अपने Redmi K20 Pro में यहाँ पर इंस्टॉल किया था, तो देख सकते हैं आप लोग मैंने यहाँ पर मॉड्यूल्स को रिमूव कर दिया है। अब हमारे जो मॉड्यूल्स हमारे फोन में इंस्टॉल हुआ था वो रिमूव हो चुका है, हमारा फोन यहाँ पर रिबूट हो चुका है। और दोस्तों मैं आपको यहाँ पर थीम वर्सन में दिखा देता हूँ, देख सकते हैं हमारा ग्लोबल वाला थीम वर्सन हमारे फोन में यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है। और हम लोग यहाँ पर थीम एप्लीकेशन को ओपन करेंगे दोस्तों, देख सकते हैं थीम एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद हमारे फोन में आप लोगों को ग्लोबल वाला थीम यहाँ पर देखने को मिल जाता है, यानी ग्लोबल वाला जो थीम मैनेजर है वो हमारे फोन में देखने को मिल जाता है दोस्तों। अगर आप लोग को ये चाइना वाला थीम अगर देखने को मिलता है तो एक बार सिंपली आप लोग को अपने रिसेंट मेन्यू से थीम को रिमूव करने के बाद फिर से थीम को ओपन करेंगे दोस्तों, तो ओपन करने के बाद देख सकते हैं हमारा जो ग्लोबल वाला या इंडिया वाला थीम स्टोर है वो देखने को मिल जाता है। और दोस्तों जो हमारा ऑप्शन था यहाँ पर इंपोर्ट वाला ऑप्शन जो हमें देखने को मिलता है दोस्तों, तो फाइनली यहाँ से रिमूव हो चुका है।